दसवीं पास युवाओं के लिए बेहतरीन मौका। इंडिया पोस्ट ने GDS पदों पर निकाली बंपर भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी परीक्षा के किया जाएगा। खास बात यह है कि दसवीं पास अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई आवेदन की यह प्रक्रिया 23 अगस्त तक चलने वाली है। इसके बाद 24 से 26 अगस्त तक संशोधन किया जा सकेगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन दसवीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के पद निकाले गए हैं। भर्ती के लिए इच्छुक सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWD तथा महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन का भुगतान किया जा सकता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। 23 अगस्त 2023 को आधार मानकर आयु की गणना निकाली जाएगी। OBC, SC, ST और EWS तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। GDS की इस भर्ती के लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होने के साथ कंप्यूटर, साइकिल चलाना भी आनी चाहिए। अभ्यर्थियों को 10वीं में मिले अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र और PWD उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।